16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है वो एक काम को 4 घंटा में पूरा करता है और ए और बी जो है वो मिल करके उसी काम को पूरा करने में 3 घंटा का समय लगाता है और ए और सी जो है वो मिल करके उस काम को पूरा करने में 2 घंटे का समय लगाता है। तो आपको बताना ये है कि बी जो है वो अकेला काम को कितने समय में समाप्त करेगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए केवल हम लोगों को इन दोनों का ही यूज करना है, इसका कोई यूज नहीं है। याद रखिएगा जब भी दो व्यक्ति द्वारा काम को करने में लगा समय दिया रहे और उन दोनों में किसी एक का गिवन रहे और दूसरे का निकालना हो तो करना क्या है, इन दोनों को सिंपली गुणा कर देना है। 3 को क्या कीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है 1, 1 से इसको क्या करना है भागा दे देना है तो कितना हो गया ये 12 हो गया। 12 को 1 से भागा देंगे कितना आएगा 12 ही आएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12 घंटा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है बी किसी काम को करने में जितना समय लेता है उसका 1/6 समय में ए जो है वो आधा काम करता है। अगर हम ये मान ले कि 6 दिन में एक काम को पूरा करता है तो ये 1 दिन में उस काम का आधा भाग करेगा तो पूरा काम करने में इसको कितना दिन लग जाएगा 2 दिन। यानी कि अगर बी 6 दिन में काम पूरा करता है तो ए जो है वो 2 दिन में काम पूरा करेगा। अगर हम इसका रेशियो देख ले तो 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2 कितना आया 3 × 1 = 3। ये जो रेशियो हुआ ये क्या हुआ समय का रेशियो। तो आपको याद रखना है समय का रेशियो का उल्टा होता है काम का रेशियो। तो काम का रेशियो कितना हो जाएगा 1/3। हम ये मान लेंगे कि बी जो है वो 1 दिन में 1 काम करता है और ए जो है वो 1 दिन में 3 काम करता है, दोनों मिल गया तो 1 दिन में कितना काम हो जाएगा 4 काम हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है काम जो है वो 10 दिनों तक चला, तो 1 दिन में 4 काम हो रहा है दोनों के द्वारा, 10 दिन में कितना हो जाएगा 10 दिन में 4 दाएं के 40 काम हो जाएगा। अब इस 40 काम को किसको करना है तो बी अकेले इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब यहाँ पर बी जो है वो 1 दिन में 1 ही काम कर पाता है, करना इसको कितना काम है 40 काम, तो कितना दिन लगेगा 40 दिन। ऑप्शन हमारा सही होगा।